हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक जो आपकी परीक्षा है अर्धवार्षिक, इसके जो कुछ पेपर लीक हो चुके हैं, मतलब वायरल हो चुके हैं, कि अब वो पेपर सही हैं। और हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर अब ये जो वायरल हो चुके हैं किसने वायरल किया और कहाँ से वायरल हुए और इसका जिम्मेदार कौन है, पूरी जानकारी दी जाएगी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा से पहले इंटरनेट मीडिया पर आए पेपर। 12वीं के गणित और जीव विज्ञान के पर्चे जो लीक हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। और हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पर ये जो जानकारी क्या सही है या फेक या रियल, पूरी जानकारी दी जाएगी। या फेक तो नहीं है, किसी ने बना के डाल दी। तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले एक जब हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ था उस दिन एक न्यूज निकल के सामने आई थी। चलिए मैं एक बार उस न्यूज को दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा प्लीज़। देखिए जानकारी क्या निकल कर आई थी, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश बोर्ड है जो उसने एक जानकारी निकाली थी, थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। उपर्युक्त विषय के अंदर सर्व की आजकल हाई स्कूल की परीक्षा जो आपकी शुरू होनी थी, उसके बाद यहाँ से ये तो आपको और यहाँ पर देख आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर न्यूज निकल के आई थी संचनालय, यहाँ पर आप देख लीजिए संचनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों की सूची संलग्न है। शेष प्रश्न पत्र प्राचार्य संस्था स्तर पर तैयार कराकर अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। और यहाँ पर थोड़ी और नीचे आप देखिए, यदि किसी जिले में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होती है, मतलब आपकी जो गोपनीयता भंग, मतलब यहाँ से जो आपके पेपर लीक होते हैं या भी कुछ होता है, तो इसकी जवाबदेही जिले संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। मतलब यदि जो पेपर वायरल होते हैं, यदि जो आपके पेपर वायरल हो चुके हैं तो इसकी जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होनी चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से हम अगली जो न्यूज अभी निकल के आ रही है हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, परीक्षा से पहले इंटरनेट पर वायरल हो चुके थे प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन भी वायरल हो चुका था। प्रश्न पत्र भी वायरल हो चुके थे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि क्या दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शनिवार को होने वाली कक्षा 12वीं की गणित एवं जीव विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र शुक्रवार को ही लीक हो चुके हैं। यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया पर ये प्रश्न पत्र शुक्रवार शाम से वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद इसी सप्ताह में 11वीं के प्रश्न पत्र भी लीक हो चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पुलिस इस मामले से में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करवाए, जबकि इस बार प्रश्न पत्र गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन्हें विमर्श पोर्टल पर नहीं डाला गया था। जानकारी के अनुसार 11वीं और 12वीं की कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। आरोप के लिए इसमें आने वाले बाले प्रश्न पत्रों को एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र हूबहू असली प्रश्न पत्रों की तरह हैं। एक निजी कोचिंग संचालक विनय जैन ने बताया है कि इससे पहले त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हो गए थे। मैंने मामले में शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की थी। इस बार प्रश्न पत्र आउट हो गए हैं। इसी शनिवार को कलेक्टर से मिलकर भी इसकी शिकायत करूंगा। और उसके बाद है नई दुनिया के इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी मंगवेश व्यास को यह प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मामले में हम पुलिस की मदद लेंगे, हालांकि शनिवार को आने वाले पर्चा से इसका मिलान किया जाएगा। उसके बाद जो बताया गया जानकारी के अनुसार सितंबर में हुई त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मंडल ने विमर्श पोर्टल के माध्यम से किए गए थे। इसके आईडी पासवर्ड प्राचार्य और उनके रीडर के पास थे। उस समय यह बात उठी थी कि किसी ने लीक किया है। इस बात सतर्कता बरती गई है और पूरी प्रतिक्रिया को अत्यंत गोपनीयता बनाया गया है।
और उसके बाद क्या है जानकारी, फिर इस प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसलिए यह बात लेकर वो चिंतित हैं कि तरह के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी लीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र भी लीक हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर ऐसा ही चलता रहा माध्यम, तो इस बार आपके जो आपकी बोर्ड परीक्षा उसके भी पेपर लीक हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा, आप अगर ऐसा ही सिस्टम बना रहा। तो इस न्यूज़ से यही हमें जानकारी मिलती है कि अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी। देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जो YouTube पर पेपर अपलोड किए गए हैं वो ज़्यादातर तो फेक ही हैं, ज़्यादातर आप फेक मान के चलिएगा, पूरे यहाँ से फेक मान के चलिएगा, उसमें से एक या दो या रियल ही हैं, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जो नए यहाँ पर जो है इसका, अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि ये जानकारी रियल है, तो मैं आपको बता दूँ कि त्रैमासिक परीक्षा की एक वो न्यूज़ निकल के आई थी, तो उसके अनुसार ये रियल है और ये रियल है पूरा। यहाँ पर हमारे यदि हम देखेंगे उसके अनुसार तो कोई भी प्रिंट आउट नहीं हुआ है। मिलता है कि अभी भी MP बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर को लीक करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना, और आप भी किसी भी परीक्षा का पेपर पर विश्वास नहीं करिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।